तो जब पहला मॉक टेस्ट हुआ था मेरा फिजिक्स में निगेटिव मार्क्स, केमिस्ट्री में निगेटिव मार्क्स, बायो में बस कुछ मार्क्स आया था, बहुत कम। अगला बार फिर से वही हुआ, फिर से निगेटिव मार्क्स, और ये कंटिन्यू होते रह गया। इस चक्कर में डिमोटिवेट होते गए तो कुछ गलत दोस्त के संगत में आ गए फिर, कि ये ले लो डिप्रेशन कम हो जाएगा। मस्ती बहुत करते थे, खेलना कूदना उस समय, इवन टेंथ में भी हर इवेंट में जो स्पोर्ट होता था स्कूल में, 15 अगस्त में परेड होता था, तो कोई भी पढ़ने वाला बच्चा इससे बहुत दूर रहता था। लेकिन मेरा था कि नहीं, ये भी एक लाइफ है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब तक बहन की शादी हो चुकी थी? नो सर, नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं शादी भी करनी है, और कहीं अभी हो गई है, बट यानी उस, हाँ उस वक्त से, और वो जमीन का कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वो जमीन इसीलिए बेचा गया था कि दीदी का शादी हो, और वो पैसा पापा हमको दे दिए। तो वो एक जो प्रेशर था मेरे ऊपर, और ऐसा था कि कुछ तो बड़ा करना है अब जा रहे हैं तो, और मोटिवेटेड तो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर वहाँ जाके हम एडमिशन ले लिए। ये साल है, साल है ये 2018। उस समय बोर्ड एग्जाम देने के बाद फिर वहाँ गए, तो इंस्टीट्यूट में जब बैठे तो वहाँ बहुत सारा टॉपर्स आया हुआ था, ICSE बोर्ड सब का बच्चा था, जो कि ऑलरेडी बहुत 11th 12th का सिलेबस पहले से कवर करके रहता है। और मेरा था कि हम बोर्ड तक, और बहुत सारा ऐसा बच्चा मेरे भी स्कूल में था जो टॉपर्स था, वो क्या था कि नीट JEE का तैयारी वो लगभग 9th क्लास से स्टार्ट कर देता था, 9 से कुछ कुछ पढ़ने लगता था एक्स्ट्रा, और हम ऐसा थे कि बस हमको हाँ बोर्ड निकालना है। और हम मस्ती बहुत करते थे, खेलना कूदना उस समय, इवन टेंथ में भी हर इवेंट में जो स्पोर्ट होता था स्कूल में, 15 अगस्त में परेड होता था, तो कोई भी पढ़ने वाला बच्चा इससे बहुत दूर रहता था। लेकिन मेरा था कि नहीं, ये भी एक लाइफ है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्पोर्ट में भी हमेशा एक्टिव रहे, और पढ़ाई को भी 10th तक तो मेंटेन किए। जब पटना गए, जब बहुत सारा बच्चा आया जो कि बहुत टॉपर था अलग अलग जगह से, वहाँ जब फेस किए वो लोग को, तो जब पहला मॉक टेस्ट हुआ था मेरा फिजिक्स में निगेटिव मार्क्स, केमिस्ट्री में निगेटिव मार्क्स, बायो में बस कुछ मार्क्स आया था, बहुत कम। और वो जब मैसेज डायरेक्ट मेरे पापा को गया, इतना निगेटिव मार्क्स, तो पहले तो हमको लगा कि चलो पहला बार है, फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टेस्ट में मोर मेहनत करेंगे। हॉस्टल में रहते हो? नो सर, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहाँ रहते थे? हम एक रूम में रहते थे, लेकिन अच्छा खाना खुद बनाते थे वहाँ। तो हमको लगा सेकंड में कर लेंगे, तो पहला बार तो एक था कि नया नया पटना गए थे, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहा था, घूमना, नया नया जगह एक्सप्लोर करना, दोस्त के साथ घूमना। तो फिर सेकंड बार से सब कुछ बंद किए, खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, और अगला बार फिर से वही हुआ, फिर से निगेटिव मार्क्स, और ये कंटिन्यू होते रह गया। इस चक्कर में डिमोटिवेट होते गए तो कुछ गलत दोस्त के संगत में आ गए फिर, कि ये ले लो डिप्रेशन कम हो जाएगा, इस टाइप से। तो 11th में पटना में ऐसा आम बात था स्टूडेंट के बीच में, वहाँ बहुत स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ आम बात है, कॉमन बात है। तो थोड़ा नेगेटिव साइड हम गए और जाते चले गए, और उस समय नया नया पटना जाना, तो कुछ फ्रेंड बनी, और मेरा ऐसा था कि अब पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। एक होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा इंसान का दिमाग डिमोटिवेट हो जाए, तो वो चाहता है कुछ खुशी मिल जाए हमको, कुछ तो अच्छा मिले, तो वो पढ़ाई छोड़ ही देता है साहब, और इधर भाग जाता है। इतना नेगेटिव साइड हम जा चुके थे, तो ये कुछ ऐसा फेज था जो कि, और मेरा रिजल्ट खराब होते रहा।